हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कलाशित विश्वास के एपिसोड में देखेंगे कि निवेदिता लूथरा के घर पर शादी के मंडप पर मंजू पांडे जी से पूछती है कितना वक्त और लगेगा। फिर पांडे जी मंजू को बताते हैं यही 15-20 मिनट लग जाएंगे। फिर मंजू पंडित को कहती है पंडित जी 5-7 मिनट में करा दो, दक्षिणा दुगनी दे दूंगी, मंत्र जल्दी से पढ़वा दो। इतने में निवेदिता को होश आ जाता है। निवेदिता अपने कमरे में कहती है रवि मुझे रवि के पास जाना है। निवेदिता जैसे ही जाने लगती है उसके पैर में कुछ लग जाता है। निवेदिता चिल्लाकर सोफे पर बैठ जाती है। निवेदिता टेंशन में खुद से कहती है सब लोग कहाँ गए, कोई मेरे पास में क्यों नहीं है, अगर सच में मेरी तबीयत खराब थी तो कहाँ गए सब लोग, रवि मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे रवि को बताना है कि मैं लेट क्यों हो गई। फिर निवेदिता वो सारी बात याद करती है। फिर निवेदिता खुद से कहती है मुझे याद आया मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था और मैं अपने कमरे में आ गई थी वॉशरूम यूज करने। मम्मी जी और अंबिका भी थे मेरे साथ यहाँ इस कमरे में। मम्मी जी मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आई थी, उन्होंने कहा था कि कॉफी पीने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मैंने कॉफी पी ली। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी जी और अंबिका कहाँ है, मुहूर्त निकला जा रहा होगा, पंडित जी ने मुझे बुलाया होगा, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया अब तक, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं। ओह माय गॉड क्या हो रहा है, मुझे पता करना होगा, आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे जाकर देखना होगा। निवेदिता जैसे तैसे अपने रूम का दरवाजा खोल के बाहर चल रही होती है लड़खड़ा के। उधर नीचे विकास खुश होकर श्वेता को कहता है मैं बड़ा खुश हुआ श्वेता, लगभग फाइनली शादी हो ही गई। फिर श्वेता विकास को कहती है मैं इतनी हैरान हूँ कि मम्मी जी का प्लान काम कर गया, रवि की शादी अंबिका से हो गई और आप भी चैलेंज जीत गए, अब देखना उस बेचारी निवेदिता। मैं भी क्या बोल रही हूँ, वो खड़ूस निवेदिता इसी लायक है, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब उसको ये झटका लगे और कब उसके पैरों के नीचे से ये जमीन निकल जाए। फिर विकास खुश होकर श्वेता से पूछता है श्वेता एक बात बताओ तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा उससे, भाई उसको नया नया झटका लगने वाला है, उसको जब पता लगेगा कि ये सब हो गया है तो वो सदमा खा के पागल हो जाएगी, फिर वो बख्शने नहीं वाली है ना तुम्हें ना माँ को, डर है या नहीं तुम्हें। फिर श्वेता विकास को कह बात तो आप सही कह रहे हैं लेकिन एक बात बोलो, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता जब आप मेरे साथ हो। हाँ मुझे डर था जब आपको ये राज पता चलेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा ना कि ये प्लान मैंने आपसे छुपाया, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि अगर आपने मेरा हाथ थामा है ना मैं हर मुसीबत में आपके साथ हूँ। फिर विकास श्वेता को कहता है एक बात बोलो, आज तुमने वो कह दिया है जो मैं हमेशा से तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था, मेरा भी तुमसे वादा है चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर श्वेता विकास से पूछती है सच्ची, फिर विकास सरीला कर हाँ में जवाब देता है श्वेता की इस बात का। उधर निवेदिता लड़खड़ाते हुए चल रही होती है, निवेदिता मंत्रों की आवाज़ सुनती है। निवेदिता खुद से कहती है ऐसा लग रहा है कोई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मंजू खुश होकर श्वेता से फुसफुसाते हुए कहती है श्वेता बेबी मानती हूँ मेरा कमाल, और मान ले अब शादी हो ही गई, वो इतना बढ़िया प्लान बनाया मैंने, कमाल ही हो गया। फिर श्वेता मंजू को कहती है वो तो ठीक है मम्मी जी, पर अभी शादी हुई कहाँ है, सारी रस्में बाकी है, आपको तो पता है क्लाइमेक्स में सीन बदल जाता है, तब आप तारीफ करते हैं। मंजू गुस्से से श्वेता को कहती है कुछ भी बोलती रहती है, तू ना समझ ले कि शादी हो गई, और मैंने ना पंडित को ना दुगनी दक्षिणा देने का वादा किया है, लालच में आ गया है, देखना कितनी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहा है। फिर श्वेता खुश होकर कहती है ये तो सही है। फिर मंजू खुश होकर श्वेता को बताती है अंबिका मेरी बहू बन जाएगी, हम करोड़पति हो जाएंगे। इतने में निवेदिता नीचे देखने की कोशिश कर रही होती है पर उसे डूबता दिखाई दे रहा होता है। फिर इतने में मंजू की नजर निवेदिता पर जाती है ऊपर, मंजू जैसे ही ऊपर देखती है वो श्वेता को भी इशारा करती है ऊपर देखने के लिए। जानकी रायचंद की नजर भी ऊपर जाती है निवेदिता लूथरा की तरफ। फिर पंडित जी बताता है अब विवाह संपन्न होने में एक ही विधि बाकी है, वो है मंगलसूत्र, एक बार वधू के गले में मंगलसूत्र पहना दिया तो आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अगले 7 जन्मों तक आपका रिश्ता अटूट बना रहेगा। घूंघट में अंबिका भावुक होकर रोते हुए अपने मन में कहती है इस आदमी को ये सारी बातें समझाने का कोई फायदा नहीं है पंडित जी, क्योंकि ये बातें इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, पहले भी ये सारी रस्में की थी इसने लेकिन साथ में से एक भी वचन नहीं निभाया इसने, दौलत की खातिर अपनी पत्नी की बलि चढ़ाने में जरा भी नहीं हिचकिचाया, ये मंगलसूत्र ये सिंदूर ये 7 पैरे ये सब इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, सच्चे मन से नहीं करता ये कुछ भी, लेकिन मेरे लिए ये रस्में कोई फॉर्मेलिटी कभी नहीं थी, ये मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, इस आदमी ने इतना दुख दिया है मुझे फिर भी मैं इस बंधन को दिल से मानती हूँ, मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं फिर भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। रवि अपने मन में कहता है कैसे बताऊँ पंडित जी कि मैं ये रस्म किए जा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि शादी का बंधन कितना पवित्र होता है, देविका के साथ 7 फेरे ले चुका हूँ मैं, ये मंगलसूत्र ये सिंदूर ये 7 फेरे ये कस्में ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन सिर्फ देविका के साथ आज मेरे विश्वत्रा के साथ ये शादी सिर्फ एक समझौता है। पंडित जी रवि के हाथ में मंगलसूत्र देता है, रवि मंगलसूत्र ले लेता है। उधर ऊपर से निवेदिता मंडप में देखते हुए चौंकते हुए कहती है खुद से किसकी शादी हो रही है यहाँ पर, जानकी रायचंद मंजू श्वेता तीनों ही ऊपर देखकर काफी टेंशन में हो रहे होते हैं। मंजू
रवि को कहती है जल्दी से पहना दे पुत्र। उधर निवेदिता जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से उतर रही होती है और उधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहा होता है। रवि अंबिका को मंगलसूत्र पहना देता है। फिर इतने में निवेदिता नीचे आकर चिल्लाते हुए कहती है स्टॉप प्लीज। सारे लोग हैरानी से निवेदिता लूथरा की तरफ देखने लगते हैं पीछे। मंजू घबराते हुए निवेदिता को देखकर कहती है निवेदिता जी आप। फिर रवि मंडप से उठ जाता है और निवेदिता लूथरा की तरफ पीछे देखने लगता है। निवेदिता गुस्से से कहती है क्या हो रहा है ये सब, किसकी शादी हो रही है, मैं यहाँ पर हूँ तो किसकी शादी हो रही है। फिर मंजू एक्टिंग करते हुए निवेदिता को कहती है और जी हम भी यही सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर हो तो फिर मंडप में कौन बैठा है जी। फिर निवेदिता गुस्से से कहती है देखते हो कौन बैठा है मेरी जगह मंडप में। रवि टेंशन में अपने मन में कहता है ये लूथरा अभी अभी आई है तो इस घूंघट के पीछे कौन है, आखिर किससे हुई है मेरी शादी, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। पल्लवी कहती है अपनी माँ को जीजू की शादी तो निवेदिता लूथरा से होने वाली थी ना। फिर रेखा घबराते हुए पल्लवी को बताती है पर बेटा मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रवि की किसी के साथ शादी तो हो ही गई ना। जानकी राजा खुश होकर अपने मन में कहती है अब तो अंबिका के साथ रवि की शादी हो ही गई। निवेदिता सॉरी तुमने आने में देर कर, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी है, जब तुम देखोगी कि रवि की दुल्हन कौन है तुम्हारा तो मजबूत ही हिल जाएगा। विकास खुश होकर अपने मन में कहता है चलो जी मोटी जी फाइनली आपका प्लान कामयाब हुआ और ये सही टाइम से नींद से जाती है कुंभकर्णी जी, अब चाहे जितना मर्जी चीखे चिल्लाए इसके लिए तो सब कुछ टाइट है फिशी है। फिर इतने में शादी के मंडप पर साकेत भी आ जाता है। फिर साकेत निवेदिता लूथरा से पूछता है मिस लूथरा अगर आप यहाँ है तो ये घूंघट में कौन है। निवेदिता लूथरा अंबिका को उठाती है। निवेदिता लूथरा अंबिका का घूंघट उठा के देखती है। निवेदिता लूथरा जैसे ही घूंघट के पीछे देखती है कि वो और कोई नहीं अंबिका है, निवेदिता लूथरा हैरान हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। निवेदिता लूथरा चौंकते हुए अंबिका को कहती है तुम। निवेदिता अंबिका का घूंघट उठा देती है पूरा। रेखा चाची रोते हुए कहती है ये तो अंबिका है। गोरबिंदर भी मोंटी को कहती है ये तो अंबिका है ना, इसके जगह तो निवेदिता को होना चाहिए ना। फिर मोंटी अपनी माँ को कहता है हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल हैरान हूँ मिस लूथरा को ऐसे देखकर। फिर जानकी राजचंद्र अपने मन में कहती है इस खेल का ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, निवेदिता चुप नहीं बैठेगी। श्वेता घबराते हुए अपने मन में कहती है हाय रब्बा अब तो राज भी खुल गया अब क्या होगा। मंजू घबराते हुए अपने मन में कहती है हाय 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 अब इस निवेदिता ने शेरनी बनके मुझे कच्चा जवाब देना है, वो माता रानी बचा ले। फिर अंबिका बेहोश होने का नाटक करती है, वो जैसे ही गिरने वाली होती है रवि और जानकी राजचंद्र उसे पकड़ लेते हैं। रवि अंबिका को जैसे ही देखता है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, वो देविका के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसकी शादी हुई थी देविका के साथ। अंबिका का सर घूम रहा होता है, वो अपने सर पर हाथ रख के नशे में होती है। फिर साकेत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मैं नहीं मानता इस शादी को, ये सब बकवास है। अरे मैं क्या, कोई नहीं मानता इस शादी को, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इसने तुम्हें धोखा दिया है। अंबिका मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अंबिका मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो, नीचे उतरो आओ। जानकी राजन टेंशन में अपने मन में कहती है रवि कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। फिर विकास साकेत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अरे अरे साले साहब ऐसे भी क्या जल्दी है आपको, और वैसे भी आप हमेशा की तरह इस बार भी बहुत लेट पहुंचे हैं, आप क्या हो गया है आपको, आपकी आंखें खराब हो गई है या दिखाई नहीं दे रहा है। भाई मेरे कहने का मतलब ये है ये शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो चुकी है, अब ये लड़की मेरे भाई की पत्नी है यानी कि मेरी भाभी है और आप मेरी भाभी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। साकेत गुस्से से विकास को कहता है अगर ज्यादा बोला ना तुम्हारी जुबान यही खींच लूंगा। साकेत गुस्से से विकास को कहता है भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजा हो, अब तक मैं तुम्हारी मजाक मस्ती सहन करता था लेकिन अब नहीं, तुम्हें क्या लगा है ये सब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अरे इसकी शादी तो मिस लूथरा से होने वाली थी ना, फिर ये कैसे हो गया। फिर विकास साकेत को बताता है अरे हो सकता नहीं है, अरे हो गया है, अब आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन आपके पास अब कोई चारा नहीं है, बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। साकेत गुस्से से विकास को कहता है अब तुम मुझे सिखाओगे तुम्हारी औकात क्या है। फिर विकास साकेत को बताता है अरे औकात की क्या बात करते हो साले साहब, औकात को मारो गोली, मेरी औकात हो या ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरा रिश्ता जरूर है उस रिश्ते से, ये मेरे भाई की पत्नी है यानी कि मेरी भाभी है और हमारे घर की इज्जत है ये। साकेत गुस्से से विकास को बताता है रिश्ता तो हमारा भी है जो तुम भूल गए हो, और इसके साथ भी रिश्ता है मेरा, मेरी शादी होने वाली थी। फिर विकास साकेत को कहता है होने वाली थी ना लेकिन अब नहीं होगी, इसकी शादी किसी और से हो गई, सिंपल। अब आप एक काम करो अपने हिसाब से अपने लिए एक दूसरे लड़की ढूंढ लो, इतना बोल के विकास मुस्कुराने लगता है। साकेत गुस्से से विकास को देख रहा होता है। श्वेता टेंशन में मंजू को कहती है हाय हाय मम्मी जी मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है, निवेदिता को तो अब सब कुछ पता चल गया है कि रवि की शादी अंबिका से हो गई है, अब देखना वो जंगल की आग की तरह भड़केगी और पता नहीं किस पे बरसेगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है अगर उसे पता चल गया कि ये सारा प्लान हमारा था तो तंदूरी चिकन की तरह हमें भून के खा जाएगी। फिर मंजू श्वेता को कहती है श्वेता बेबी देख जो होना था ना हो गया और वही हुआ जो हम चाहते थे, अब आगे जो भी स्यापा होता है ना चुपचाप से देखती रहे। फिर श्वेता मंजू को कहती है उधर देखिए मैं वीर जी और विकास की लड़ाई का तमाशा नहीं देख सकती, मुझे जाके बात करनी होगी मम्मी जी। फिर मंजू श्वेता को कहती है क्या कर रही है। फिर श्वेता गुस्से से मंजू को बताती है अरे मम्मी जी ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं जा रही हूँ। मंजू गुस्से से अपने मन में कहती है श्वेता के बारे में हाय हाय इस अकल की अंधी को ना मुद्दे की बात भी समझ में नहीं आती है, बोला था चुपचाप खड़ी रहे बीच में धक्का मत दे फिर भी लड़ाई के मैदान
में कूद रही है। अब तक तो किसी का ध्यान नहीं था हम पर, अब इस कुर्ती की वजह से ना मैंने भी फंस जाना है। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ बेवकूफ। जानकी रायचंद जैसे तैसे अंबिका को पकड़कर लेकर आती है और उसे बैठने के लिए कहती है। फिर पल्लवी रेखा को कहती है, माँ ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो लड़की वहाँ मंडप में बैठी है वो अंबिका है। नहीं माँ, मैं मान ही नहीं सकती कि ये मेरी दिल का दी नहीं है, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। माँ वही चेहरा, ये तो बिल्कुल मेरी दी जैसी है। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर रेखा पल्लवी को बताती है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरा दिमाग सुन हो चुका है इस वक्त। यहाँ पर तो निवेदिता और रवि की शादी होने वाली थी ना, फिर दुल्हन कब बदल गई वहाँ पर और अंबिका कैसे आ गई, क्यों आ गई, क्यों हो रहा है ये सब, किस लिए। जानकी जी से सवाल करते हैं तो ही मसला पता चलेगा ये सारी बात का। फिर रेखा जानकी रायचंद को पूछती है, जानकी जी ये सब क्या हो रहा है, मैं तो हैरान हो गई। यहाँ शादी तो रवि और निवेदिता की होने वाली थी, आपकी अंबिका के साथ कैसे, बताइए आप चुप क्यों है। जानकी रायचंद रेखा को बताती है, अब मैं क्या बोलूँ रेखा जी, मैं तो खुद बहुत शॉक्ड हूँ। ऐसे लग रहा है कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मतलब मंडप में जितनी भी रस्में हुई वो निवेदिता नहीं मेरी बेटी अंबिका निभा रही थी, अब पता नहीं क्या होगा। फिर रेखा चाची जानकी रायचंद को कहती है, जानकी जी संभालिए अपने आप को, या तो ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आज यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई तो इसका मतलब ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जानकी रायचंद रेखा को देखकर अपने मन में कहती है, सॉरी रेखा जी मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आप भी इस बात से खुश हैं कि रवि की शादी निवेदिता से नहीं अंबिका से हुई है, क्योंकि आप आज भी ये मानती है कि वो आपकी लाडो है। और आप तो हमेशा से रवि और देविका को एक साथ देखना चाहती थी ना, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की शादी से आपके दिल को भी सुकून मिला होगा। रेखा चाची जानकी रायचंद को कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, चिंता मत कीजिए, रवि बहुत खुश रखेगा। आप बस अपना और अंबिका का ख्याल रखिए, मैं यहीं हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक आवाज़ दे दीजिएगा। फिर जानकी रायचंद रेखा को कहती है, थैंक यू रेखा जी। सो गाइस आज का कलश एक विश्वास का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।